मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीड 2021 में जो होने वाली है उसकी तैयारी आप कैसे करें, रीड लेवल सेकंड की तैयारी आप कैसे करें बच्चों, इसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी आवाज को आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि किस प्रकार आपको आगामी तैयारी करनी है और रीड लेवल सेकंड की सामाजिक विज्ञान में सिलेक्शन लेना है, इसके लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है ये मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और आप चाहते हैं कि मैं आप तक अपनी आवाज को पहुंचा सकूं और आपका सिलेक्शन में आपकी मतलब अपना रोल अदा कर पाऊं, तो मैं मानूंगी कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वो सिलेक्शन ले चुके हैं। और कमेंट बॉक्स में आगामी दिनों में जरूर डालें कि मैडम हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो देखते हैं बच्चों कि रीड लेवल सेकंड की तैयारी कैसे करें, किन किन चीजों का ध्यान रखें। और जब हम किसी भी टारगेट को बनाते हैं, जैसे आपने अभी टारगेट बना रखा है कि हमें रीड पास करना है और थर्ड ग्रेड टीचर बनना है, तो जो भी शिक्षाविद बनना चाहते हैं उनके मन में जो सवाल होते हैं उन सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, आप सबको पढ़ा रही हूँ और समझा रही हूँ कि जब आप रीड तैयारी के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं, और आपने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो बच्चों यही होता है क्या कि जब आप रीड की तैयारी में फर्स्ट डे से ही आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा और अच्छे अंकों से होगा। इसी धारणा के साथ बच्चों आपको रीड की तैयारी करनी है। अगर आपने इस बात को मन में ठान लिया बच्चों, तो मान लेना बच्चों आपका सिलेक्शन हो चुका, केवल आपका आरपीएससी के द्वारा फरमान आना बाकी है, क्योंकि दृढ़ निश्चय ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। अगर आपने लक्ष्य हासिल कर लिया, लक्ष्य बना लिया और उसके लिए आप दृढ़ संकल्पित हो, तो बच्चों आपने वो लक्ष्य पा लिया। तो इसका मतलब है कि अगर आप रीट की तैयारी के लिए मजबूत है, आप चाहते हैं कि मैं रीट 2021 में जो होने वाली है उसमें किस प्रकार सफल हो सकता हूँ, किस प्रकार मेहनत करूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो इसकी तैयारी के लिए मैं एक सहयोगी की भूमिका निभाऊंगी बच्चों। तो आप देखो रीट की तैयारी करते समय आपके मन में पहला सवाल क्या आता है वो देखो। पहला आता है क्या 3 महीने में सिलेक्शन हो जाता है। कई बच्चे कहते हैं कि हम साल भर से तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे कहते हैं 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो जो नया बच्चा है वो ये सोचता है कि जो बच्चे सालों से तैयारी कर रहे हैं उनका नंबर पहले आएगा, मेरा नंबर बाद में आएगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है बच्चों। जो आज भी आज फर्स्ट स्टेज पर है वो बच्चा भी सिलेक्शन ले सकता है। 3 महीने की पढ़ाई में रीट में 100% सिलेक्शन हो सकता है बच्चों, अगर तैयारी स्टेप बाय स्टेप तरीके से की जाए तो उस बच्चे का सिलेक्शन जरूर होता है। तो क्या 3 महीने में सिलेक्शन हो जाता है, तो मेरा जवाब यही होगा बच्चा हाँ। 3 महीने में अगर बच्चा दृढ़ निश्चयी होकर लक्ष्य को सामने रखकर के अध्ययन करे तो उस बच्चे का सिलेक्शन जरूर होगा बच्चों। दूसरा है हम कितना पढ़े कि चयन हो जाए। कई बच्चे कहते हैं कि रीट की तैयारी करने के लिए हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए। देखो बच्चों, घंटे पढ़ना नॉट फॉर इम्पोर्टेंट, क्वालिटी और क्वांटिटी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। 10 घंटे में आपने केवल एक टॉपिक का अध्ययन किया है तो वो आपकी भूल है बच्चों। आपको टॉपिक वाइज अच्छे से चीजों को क्लियर करना है, तो आप घड़ी का समय देखकर ना पढ़े, आप टॉपिक वाइज पढ़े। आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। क्वालिटी को बनाना है, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है। इसका मतलब ये है बच्चों कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो अच्छा पढ़े, थोड़ा पढ़े, स्वीट पढ़े, लेकिन जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो आपके समझ में आनी चाहिए।
तो चीजों को समझे पढ़े इस तरीके से ताकि आपको क्वालिटी मेंटेन हो। क्वांटिटी नहीं है, नहीं कि आपने 15 पेज पढ़ डाले लेकिन याद नहीं हुआ एक, तो इससे अच्छा है कि आप 3 पेज शॉर्ट नोट्स बना करके उनको याद करते तो वो चीजें आपके जल्दी क्या हो जाती, क्लियर हो जाती। तो आपको घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ करके बच्चों टॉपिक वाइज पढ़ना है। और अगर आप टॉपिक्स में घंटे डिवाइड करना चाहते हैं तो बच्चों आप आराम से 24 घंटे में 10 या 12 घंटे इजीली 3 घंटे तक लगातार पढ़ सकते हैं। क्यों? करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। 50% बच्चा भी लक्ष्य हासिल कर सकता है बच्चों, अगर उसने कड़ी मेहनत करी है। तो अगर आप कठिन मेहनत करेंगे, कड़ी तपस्या करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा बच्चों। तो टॉपिक वाइज पढ़े कि आज हमें सामाजिक विज्ञान के इन 2 टॉपिक्स को क्लियर करना है, हमें मनोविज्ञान के इस 1 टॉपिक को आज क्लियर करना है। इस तरीके से आप पढ़े ताकि धीरे 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 करके आपके टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर तीसरा बच्चों के सवाल आता है क्या कोचिंग करनी चाहिए। देखो बच्चों, अभी के आदेश के अनुसार माना जा रहा है कि 2021 के स्टार्टिंग्स जो मंथ है उनमें रीट का एग्जाम आयोजित होगा। अगर आपको लगता है कि 3 महीने के बाद एग्जाम होना है बच्चों, तो कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि कोचिंग में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपका 3 महीने का जो समय है वो सेल्फ स्टडी पर अगर आप देंगे बच्चों तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो 3 महीने अगर आपके एग्जाम के शेष है बच्चों तो आपको सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, अगर कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप 10 या 12 घंटे में से 1 या 2 घंटे स्टडी कर सकते हैं या किसी टीचर की क्लास ले सकते हैं, बट 3 महीने आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी तभी आपका सिलेक्शन होगा रीट लेवल 2 में, ओके बच्चों। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर यही है कि अगर आपके पास में लंबा टाइम है तो आप कोचिंग ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 3 या 4 महीने का समय है तो आपको बच्चों सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। उसके बाद आता है टाइम टेबल कैसा बनाए। देखो बच्चों, कई बच्चे रात को 3 या 4-4 बजे तक पढ़ते हैं, हो सकता है उनको लर्न होता हो, लेकिन मेरी धारणा ये है कि डे टाइम को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। डे टाइम में बच्चे को पढ़ना चाहिए, सुबह जल्दी उठ करके पढ़े, रात को 10 या 12 बजे से ज्यादा नहीं पढ़े, क्योंकि रात सोने के लिए, रात को भरपूर नींद लेंगे तो सुबह उठ करके आप फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे तो आपको वो चीज लर्न होगी। और हमें हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि सुबह उठकर पढ़ने से जितना अच्छा याद होता है वो पूरे दिन भर में नहीं होता। इसलिए सुबह जो भी टॉपिक्स आप उठाए वो नए टॉपिक्स उठाए, कठिन टॉपिक्स उठाए, फ्रेश माइंड में फ्रेश चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो वो चीजें आपके समझ में आएगी। तो अपना टाइम टेबल इस प्रकार बनाए कि डे टाइम का आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें और रात का टाइम ज्यादा से ज्यादा सोने में बिताए ताकि आप में एनर्जी बनी रहेगी, आपकी एनर्जी बनी रहेगी, आपकी नींद भरपूर होगी तो अच्छी तैयारी आप कर पाओगे, आपकी मेमोरी में वो चीज जाएगी। तो आपको टाइम टेबल इस प्रकार से बनाना है कि टॉपिक वाइज आपके सारे टॉपिक्स क्लियर होते जाए। 10 या 12 घंटे का एक टाइम टेबल बनाना है, समय पर खाना खाना है, संतुलित भोजन करना है, रात को ज्यादा खाना नहीं खाना है, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। कम से कम जो आपकी कई बच्चे हैं जो चाय पीते हैं तो चाय पिए लेकिन कम मात्रा में पिए, क्योंकि चाय पीने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो टाइम टेबल बनाते समय आपको हर 1 या 2 घंटे में ब्रेक लेना भी जरूरी है, क्योंकि आप रेगुलर 1 या 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते बच्चों। तो आपको 1 या 2 घंटे के बाद में रिलैक्स होना है। रिलैक्स टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये काम टाइम जो होता है उसके बाद अगर आप दोबारा पढ़ोगे तो एनर्जी के साथ पढ़ पाओगे। तो इसलिए बच्चों आपको टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाना है। मैं अपना टाइम टेबल नहीं दे सकती, हर बच्चे को अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना बच्चों,
टाइम टेबल बनाते समय 10 या 12 घंटे का जो समय है उसमें स्टडी टाइम आपका होना चाहिए। ठीक है बच्चों, मोबाइल देखो बच्चों, ये मोबाइल पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा है बच्चों। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, मैं मेरे स्वयं के अनुभव से बता रही हूँ बच्चों कि अगर आपको अच्छे से मेहनत करनी है तो आपको सोशल मीडिया से दूरी बनाई रखेगी, व्हाट्सएप ग्रुप से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, अपने आप को मोबाइल से दूर रखना पड़ेगा। कभी भी स्टडी करते समय मोबाइल को अपने पास में नहीं रखे। क्यों? क्योंकि हमारी आदत है व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया और हम उसको रीड करेंगे, और रीड करने में हमें पता ही नहीं चलता कि पूरे दिन भर में 2 या 3 घंटे हमारे खराब हो जाते हैं। तो बच्चों, मोबाइल से दूरी बनाए रखनी है। जब भी आप स्टडी करो मोबाइल को साथ में कमरे में लेकर के नहीं बैठे, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। जितना आप सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखेंगे अपनी सेल्फ स्टडी को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो मोबाइल से दूरी बनाना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। उसके बाद है रीट में भाषा का चयन। बच्चों सबसे बड़ी बात है ये भाषा का चयन। आप सबको पता है 2 लैंग्वेजेस हमें चूज करनी पड़ती है, 3 लैंग्वेजेस के ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, हिंदी, संस्कृत और आपकी अंग्रेजी। देखो बच्चों, हम हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश बहुत ही टिपिकल पड़ती है। तो अगर आपके बीए में आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी है और आपकी अच्छी नहीं है तो बच्चों मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको संस्कृत लेनी चाहिए, क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों सिमिलर है। वो चीज अगर आपके समझ में आ गई तो आप ऑप्शन में से उसका जवाब दे देंगे। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि भाषा में आपको, अगर आपकी हिंदी तो लेनी ही है सबको, क्योंकि हिंदी सबको आती है, लेकिन अगर आपको अंग्रेजी और संस्कृत में से अगर आपको चुनना पड़े बच्चों, और इंग्लिश अगर आपको हार्ड लग रही है तो बच्चों आपको संस्कृत चुनना चाहिए। तो यहाँ पे भाषा के चयन में जो बच्चों को कठिनाई आती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद है नोट्स न बनाकर लिखकर याद करें। देखो बच्चों, अब जो 3 महीने का टाइम है, स्टडी मटेरियल आपका पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप बुक उठा करके नोट्स लिख रहे हैं, नहीं, अब तक आपके पास में नोट्स अवेलेबल होने चाहिए। जो भी नोट्स आपने अब तक पढ़े हैं उन्हीं नोट्स को दोबारा पढ़ना है, लिख करके याद करना है, बार बार में उन्हीं चीजों को लर्न करना है। क्यों? ज्यादा मैटर पढ़ने से वो चीजें याद नहीं होती बच्चों। शॉर्ट पढ़ना है, स्वीट पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ताकि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आपने मेरी इन बातों को एडॉप्ट किया तो आप रीड 2021 में जो होने वाली है उसमें आपका सिलेक्शन जरूर होगा बच्चों। तो मेरे इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है टॉपिक वाइज। मैंने आपको बताया आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, लेकिन ये नहीं एक ही टॉपिक, महाराणा प्रताप वाले टॉपिक को आपने 3 बुकों में लिख रखा है, सिंधु घाटी की सभ्यता को बुक से भी पढ़ रहे हैं, कॉपी में से पढ़ रहे हैं, फिर दूसरी कॉपी में से पढ़ रहे हैं, नहीं, एक ही टॉपिक की अध्ययन सामग्री एक ही जगह उपलब्ध होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा अब तक का अनुभव ये कहता है जब भी एग्जाम टाइम में हम पेपर देते हैं बच्चों तो क्या होता है हमारे साथ, हमें पेज नंबर याद आ जाता है कि उस पेज नंबर पर ये चीज लिखी हुई थी। क्यों? तो इससे साबित होता है बच्चों कि आपको जो भी टॉपिक है उसकी अध्ययन सामग्री, उसका जो मैटर है उसको एक जगह इकट्ठा करके अभी से रखना है, ताकि आगामी दिनों में आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। उसके बाद आता है एक ही स्थान पर रखना चाहिए, एकांत में पढ़ना चाहिए। देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, सेल्फ स्टडी हमेशा एकांत में हो सकती है। आप घर परिवार से दूर किसी कमरे में बैठ सकते हैं, लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन एकांत में पढ़ें। 10 या 12 घंटे की जो स्टडी हो रही है उसमें अपने सेल्फ का आकलन करें, सेल्फ तरीके से मेहनत करें बच्चों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो आपने इन पॉइंट्स को देखा कि 3 महीने में पक्का सिलेक्शन हो सकता है। हमें टॉपिक वाइज क्वालिटी को मेंटेन करना है, क्वांटिटी पर नहीं जाना है कि हमने कितना पढ़ा, वो मैटर नहीं करता, मैटर वो करता है कि हमने उस चीज में से क्या चीज लर्न हो गई और क्या चीज हम समझ रहे हैं बच्चों, उस पे जाना है। फिर है
अगर 3 महीने हैं तो कोचिंग नहीं करनी है, अगर आपके पास में वक्त है तो आप कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। टाइम टेबल आपको अपने अकॉर्डिंग बढ़ाना है, लेकिन स्टडी टाइम आपका 10 से 12 घंटे होना चाहिए। उसके बाद मोबाइल और सोशल मीडिया से आपको दूरी बनाए रखनी है, व्हाट्सएप को आपको डिलीट मारना है, व्हाट्सएप मैसेज को नहीं पढ़ना है, अगर फिर भी आपकी इच्छा है पढ़ना तो मोबाइल डेटा को बंद करके रखे। रीड में भाषा के चयन में मैंने बताया संस्कृत को वरीयता दी जानी चाहिए। नोट्स अब नहीं बनाना चाहिए, जो भी आपके पास में मटेरियल है अगर वो याद नहीं हो रहा है तो उसको लिखकर याद करें। एक टॉपिक की अध्ययन सामग्री को एक ही स्थान पर रखें, एकांत में हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप इन सब चीजों को अपनाएंगे बच्चों तो आप 100% रीट आगामी जो रीट होने वाली है उसमें सिलेक्शन पालोगे। अब आगे देखो बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, उन लोगों से दूर रहना जो कहता है कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। नेगेटिव जो विचार देते हैं कि रीट में ये पढ़ना पड़ेगा, ये किताबें पढ़नी पड़ेगी, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, जो नेगेटिव मेंटलिटी आपको देते हैं, नेगेटिव थॉट्स आपको देते हैं बच्चों, उन लोगों से दूरी बनाए रहे। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, कोई भी एनीथिंग हो, नेगेटिव लोगों से इस समय दूर रहे, सामाजिक दूरी बनाए रखे, एकांत में रहे, तभी आप सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी कर पाओगे। पाठ्यक्रम में पुराने पेपर, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे टीचर भी हमें कहते थे क्या कि सिलेबस हमेशा आपकी जो टेबल है उसके सामने लगा हुआ होना चाहिए, हमेशा आपको पाठ्यक्रम दिखना चाहिए, सिलेबस हमेशा आपको दिखना चाहिए, बार बार सिलेबस को देखना चाहिए ताकि आपको ये पता चलता रहे कितने टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं, कितने टॉपिक्स आपको अभी पढ़ने बाकी है। तो पाठ्यक्रम को डेली रूटीन में जरूर देखें और उसको अपनी टाइम टेबल, अपनी जो टेबल है उसके सामने लगा करके रखें। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों, पढ़ने से पहले हमें एक रणनीति बनानी पड़ती है, हमें ये देखना पड़ता है किस टाइप के क्वेश्चन पिछले सालों में आए हैं, उन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आगामी तैयारी हमें कैसे करनी है, किन किन चीजों को लेना है, किन किन चीजों को छोड़ना है। हमारे टीचर हमेशा हमें कहते थे कि जिस बच्चे को ये पता चल गया किस चीज को पढ़ना है, किस चीज को छोड़ना है, उस बच्चे ने सिलेक्शन पा लिया। समझ जाना, उस दिन उस बच्चे ने सिलेक्शन पा लिया। तो अगर आपने जिस दिन ये डिफरेंस करना सीख लिया किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों को छोड़ना है, क्योंकि सारी चीजें हम 3 महीने में नहीं पढ़ सकते, लेकिन पुराने पेपर में हम देखेंगे, जितने भी पुराने सॉल्यूशन पेपर है बच्चों, दिन में एक पेपर जरूर निकालें, अपना आकलन करें कितना आता है, कितना और अच्छा कर सकते हैं। तो पुराने जितने भी सालों के पेपर है वो अपनी टेबल पर हमेशा रखें ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका कितना स्टडी हो चुकी है, कितनी अभी बाकी है, कौन कौन से टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं, आगामी दिनों में किन किन टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। इन सब चीजों की जानकारी तभी मिलेगी जब हम बार बार में पुराने पेपर्स को सॉल्व करेंगे, उनके पेपर्स में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल देखेंगे और उस लेवल के अकॉर्डिंग जाकर के अपने नोट्स पढ़ेंगे, तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे। उसके बाद है हमेशा ध्यान रखना, 6 से 6th class से लेकर 10th class तक की जो बुक है उसको आप हमेशा एक बार जरूर पढ़ें। पढ़ते समय ही उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें या उसके नीचे अंडरलाइन कर लें ताकि आगामी दिनों में उन्हीं बुक्स में से जो अंडरलाइन की है उन्हीं को बार बार में पढ़ना है। बार बार में पूरी बुक को नहीं पढ़ना है आपको बच्चों, एक बार बुक को पढ़ना है, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है और आगामी दिनों में जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स पर हाइलाइटर से हाइलाइट कर ले और आगामी जो रिवीजन जब आप कर रहे होते हो तो उसी समय उनको बार बार में दोहराते जाए। तो 6 से 10 तक की जो बुक है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। इसके अलावा मनोविज्ञान के लिए आप बीएड की बुक पढ़ सकते हैं, पुराने पेपर्स को देख सकते हैं और किसी भी अच्छे कोचिंग के नोट्स को सहारा बनाएं। ज्यादा बुक्स को नहीं पढ़े, एक ही बुक्स को पढ़े, उसी बुक को बार बार में पढ़े, तभी आप बच्चों सिलेक्शन ले पाओगे। उसके बाद आता है देखो बच्चों, सामाजिक विज्ञान वाला जो पेपर है
उस पेपर में आपके चार चीजें आएगी, इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था और शिक्षण विद्या। इतिहास वाला टॉपिक आपके 20 नंबर का है, भूगोल वाला 20 नंबर का है, राजव्यवस्था 10 नंबर की है और शिक्षण विधियां 10 विधियों की है। तो शिक्षण विधियां, जिस सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बीएड की जो भी बुक्स है उन सबको पढ़े, बाजार से एक अच्छी ऐसी गाइड लाए जिसमें पुराने पेपर के साथ साथ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ऐसी एक गाइड को रेफरेंस बनाए बच्चों। इतिहास से संबंधित आप लक्ष्य गाइड को भी पढ़ सकते हैं और मैं ये कहना चाहूंगी कि गाइड नहीं पढ़ करके अगर अपन कक्षा 11th और 12th की इतिहास की बुक को भी उठा करके देखेंगे तो बच्चों आपके इन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर पाओगे। जैसे इतिहास है, भूगोल है, राज व्यवस्था है, 11th और 12th की जो बुक है उसमें सारा मैटर आपको मिल जाता है। कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो आप बीए की बुकों का भी रेफरेंसेस ले सकते हैं, लेकिन 3 महीने से पहले आपके सारे नोट्स और मटेरियल तैयार होना चाहिए बच्चों, तभी आप आगामी दिनों में जो रीट होने वाली है उसमें सिलेक्शन ले पाओगे। और आप चाहते हैं कि मैं रीट जो आगामी दिनों में होने वाली है उसमें सिलेक्शन लूँ, तो बच्चों आपको मेरे बताए हुए नोट्स पर चलना होगा, मेरे पूरे वीडियो को देखना होगा। और आप चाहते हैं कि आगामी दिनों में मैं जो रीट होने वाली है उसके लिए आपके लिए पेपर तैयार करूं, आपको राजव्यवस्था इतिहास के टॉपिक्स पढ़ाऊं, तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और मेरे इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आगामी दिनों में आपको तैयारी करनी है, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग तैयारी करें, थोड़ा पढ़े, स्वीट पढ़े, ऐसे टॉपिक्स पढ़े जिनसे आपको लगता है कि इससे सिलेक्शन ले जाओगे। जिस दिन आप सीख गए किनको पढ़ना है किसको छोड़ना है उस दिन मान लेना बच्चों आपका सिलेक्शन हो गया, आपका दृढ़ निश्चय और आपका लक्ष्य आपको रीट 2021 में जो होने वाली है उसमें सिलेक्शन जरूर दिलाएगी। लेकिन इसके लिए आपने अगर मानस बना लिया तो मान लो बच्चों उस दिन आपका सिलेक्शन हो गया, केवल आरपीएससी की मुहर लगना बाकी है, बाकी आप सिलेक्शन ले पाओगे। आगामी जो 2021 में जो रीट होने वाली है उसमें आप जरूर सिलेक्शन लोगे बच्चों, लेकिन आपको कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, वो आप करें और आगामी दिनों में बहुत अच्छी तैयारी करें, मेरे इन पद चिन्हों पर चले ताकि मैं समझ पाऊं कि मेरे द्वारा बताए हुए नोट्स के माध्यम से बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। तो इसी के साथ मैं आज का टॉपिक खत्म कर रही हूँ। आगामी दिनों में इतिहास और राजव्यवस्था से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।